तो ये बेसन में क्या डाला ले? नमक। तो अब इसके ऊपर लगाने लगे पालक सॉस। सो गाइस अभी मैंने यहाँ पर ब्रेड के चोरस चोरस छोटे छोटे पीसेस, जिथे दी खोती उथे आई खलोती। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। तो अभी रात की शुरुआत हो चुकी है, ये व्लॉग मैं शुरू करूँ रात को। जैसे कि कल आपने हमारा व्लॉग देखा था क्वेश्चन आंसर्स वाला। यो गाइस, और मैं कल जा रहा हूँ सरहिंद। तो क्योंकि शहीदी तैयारी चालू हो गया ना, इसलिए पापा जा रहे सरहिंद। जा रहा हूँ वहाँ पे मट्ठा टेकने के लिए। नेक्स्ट वेंसडे हम जाएंगे। दो साल से लगातार मैं गया, पिछले साल भी, उसे पिछले साल भी, नेक्स्ट वेंसडे जब तक लेके जाऊंगा। मेरी होगी है, मेरी दस्तार बंदी होगी, तो मैं सिर पे पगड़ी पहन के जाऊंगा। तेरी मम्मी बनने की सिर से मैं बांध दूंगा या फिर आप बांधना मेरी पगड़ी। चलो देखते हैं। और अभी आज रात की शुरुआत हुई है, तो कुछ अलग सा था मैं कि रात को शुरू कर ले व्लॉग, नहीं तो हमने वैसे कल ही शुरू कर लिया। ये व्लॉग अगले दिन तक चलेगा, तो दिखाते हैं आपको क्या स्पेशल है। तो यहाँ पर लेके आया हूँ मैं ये बर्गर। बर्गर नहीं, ठीक है, बर्गर। ये टूट रहे हैं क्या? सॉफ्ट है ना। ये बर्गर लेके आए, ये घर पे हम ये बनाएंगे। साथ में लेके आया हूँ मैं टिक्की। टिक्की छोले मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बनाओगे। साथ में ये मैं लेके आऊँ टिक्की। ये टिक्की लेके आऊँ, ये टिक्की डाल के हम बनाएंगे एयर फ्रायर में। ये लेके आया पनीर, इसके बीच में पनीर भी डालेंगे, साथ में पनीर के पकौड़े भी बनाएंगे। ये ब्रेड पकोड़े साथ में बनेंगे, ब्रेड पकोड़े। ना हम खाते ना हम बनाते। ये भैया ने दूध दे दिए थे, दही तो नहीं दे दी है? दूध है क्या? दही है? कौन सी कंपनी का दूध दे दिया भैया ने? हरनेर उठ के बेसन घोल लो फटाफट। हफ्ते से खांसी, ऊपर टीबी भी हो सकती है। पहले मेरे को खांसी के लिए मम्मी बोलते रहे और भी पेप्सी और लो आइसक्रीम तेरे को। अब मम्मी को खांसी आती है, मैं क्या बोलूं? तू भी बोल, और पियो पेप्सी। मैं पीती ही नहीं, सबको पता है। फिर वो ले नींबू पानी, सबको पता। मैं बेसन घोलो। तो तकरीबन एक महीने बाद इसका हम करने लगे मुहूर्त अपने एयर फ्राई का। इसमें हम बनाएंगे चलना। तो मैं उस दिन सिखा के तो गया था वो। लो जी, हमें यही नहीं पता चलता कैसे ये। दबाओ प्लस, खराब तो नहीं कर दिया? नहीं भैया ने मुझे कुछ बोला था, मुझे याद नहीं है कि ये दबा के रखना और ऐसे टच, वैसे नहीं, एक ही बटन उन्होंने बोला था। ये तो ऑन ऑफ का है, ऑफ हो गया। तो गाइस अभी यहाँ पर देख रहे हैं चल नहीं रहा, चलो चला के फिर आपसे बात करते हैं। तो ये देखो फाइनली चल गया। ये 15 मिनट लेस करना, हमको 5 मिनट करना था ना, 180 डिग्री करना था। भैया ने बोला था इसी से होएगा। डिग्री से होता, मैं कहा सी लिखा जो। नहीं रुको, यहाँ से कुछ टच पैनल नहीं काम करना, इसी से होना। ये रहा 180 इसी से होना बस। हाँ, स्टार्ट करो। 25 मिनट हो गए। तो हो गया ये तो। तो अभी हमें आता नहीं चलाना, हम भी देख रहे हैं कैसे चलेगा ये, चला के फिर दिखाते हैं आपको। तो अब यहाँ पे बुक लाई गई है कि कैसे चलेगा, बंद हो गया ये, चलाओ उसको दोबारा। देखो गर्म हुआ है, हाथ आराम से लगाना, हल्का सा सेक तो है, हल्का सा सेक है। तो फाइनली मैंने चला दिया, हरलीन से चल लिया था। 180 डिग्री हमने 5 मिनट के लिए रखा है, ये भी मैंने अभी नेट पे देखा था, तो ये हो रहा है। अभी देखते हैं इसमें बनता नहीं होता। इसमें मैं बंद हो गए तो कुछ ना कुछ तो करके ही छोड़ेंगे। बर्गर देखो यार, मैंने ये चीज पहली बार देखी, बर्गर कटे कटाए मिलते हैं। बड़ी प्लेट निकाल लो ना, 4 मिनट का टाइम, 3 मिनट हो गए। नो 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 नो, दो ही निकालना अपना और जप्पू का, बस दो ही निकालना। ये सही है यार, कटे कटाए मिले बर्गर, बहुत अच्छी है चीज। सॉस पे तो बहुत है ये, जैसे हाँ। मैगी पे आप मेरे को सॉस दो, मैं जब तक वो सॉस कर दूं। तो हम भी रेसिपी आपको दिखा रहे हैं, हम भी वैसे फर्स्ट टाइम बना। ये मैं लेके आऊँ वेज म्यूनिज, साथ में सॉस, बस बस बहुत है मीठी मीठी हो जाएगी। ये रेड सॉस हम दोनों को मिक्स करके इसमें लाल मिर्च डालूंगे, हल्की सी इसमें हल्की लाल मिर्च डाल देंगे जरा सी, ताकि थोड़ी खराबी हो जाए। ये मीठी मीठी हो जाएगी, सॉस भी मीठी है। ये ग्रीन सॉस होती है फिर तो बढ़िया बन जाता।
ये बर्गर में यहाँ पे हम लगाएंगे सॉस, फिर रखेंगे टिक्की, प्याज काटेंगे डालेंगे, होए 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 एक नंबर बनेगा। तो ये रेसिपी आप देख लो, इसको अच्छी तरह मैश कर लेना, टूटी फूटी रेसिपी पहले जैसे भी है, थोड़ा बहुत आप भी दिमाग लगा लेना अपना, थोड़ी सी डालना, हम भी अपना ही दिमाग लगा लें। बस बस अब इसको अच्छे से डालो, लाल रेड सॉस डाल दो उसमें थोड़ी सी, मैं कल नहीं हो जाएगी, अच्छे से डालो उसको। तो अब ये बना रहे हैं हम बर्गर, अगर ये मेरे काम सक्सेसफुल हो गए ना, फिर आज से हम घर पे बनाया करेंगे। फिर आप ये काम खोल ले ना, ये एयर फ्राई लेके किस लिए आए हैं? गोल गोल प्याज काटा जा रहा है, ये क्या कर दिया, नंगा कर दिया तुमने, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना पहले निकाल लो उसको, नहीं निकलेगा डुगो, वो आधा होके निकलेगा फिर वो। चलो कोई नहीं, अब उसको रख दो उसके बीच में, तो इसके बीच में रखेंगे, वो बंद हो चुका है, गर्म हो चुका है, प्री हीट करना इसको बहुत जरूरी है। ये बात कर रहा हूं मैं, अब पहले इसके अंदर वो डालो आराम से, हो गया ना गर्म, इसको पीछे कर दो थोड़ा, बस हाँ गर्म है। अब इस पे हम थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल, यहाँ पे हल्का हल्का पहले ऑयल लगाना है इसको, धुआं निकल रहा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल जरा जरा सा ऑयल लगाना है बस, अलग जरा जरा सा। यार मैंने वो ब्रश अकड़ा हुआ ना, बस साइडों में लगाना, बीच में लगाओ, और उसको हिलाने भी है फिर टिक्की, बस बस। और यहाँ पे एक साइड टिक्की पे लगा लो पहले आप, और ऐसे रख दो आराम से, एक्सपेरिमेंट पता नहीं पप्पू पास होगा कि फेल होएगा, रब जाने। आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही था कि गलत था, कैसे था। बाकी अगर बढ़िया बना तो फिर तो सक्सेसफुल है, क्योंकि लेस ऑयल में आप चीजें खाने का मन करे तो आप खा सकते हो। आप लोगों के लिए हम भी ट्राई पहले करके दे रहे हैं, देखो हो गया। आप कितने मिनट पे था ये? 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, ये 5 मिनट में थी। अच्छा बस जरा जरा से लगाओ, चलो बस। तो इसको अंदर बंद कर दो, आप कितनी देर में रखना है? तो अभी 180 डिग्री पे सेट करके 5 मिनट हमने इसको करा है, ये 180 डिग्री। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसको फिर पलटी भी करना पड़ेगा, काटे जाने पे प्याज किसको पलटी को? नहीं बिल्कुल पलटी नहीं करना, करनी पड़ती है नीचे, नहीं डुगो 360 डिग्री है, पूरा घूमेगी अपने आप, कुछ नहीं करना, अपने आप बन के निकलेगी। अब चलो देखते भी पता लग जाएगा, फिर 10 मिनट होना चाहिए फिर मेरे ख्याल से, फिर नहीं 5 मिनट करके देखा है, क्योंकि ये ऑलरेडी बनी बनाई होती है ना, क्योंकि अभी हमें इतना पता भी नहीं ना इसका, जल जुला जाए, फिर 5 मिनट करके देखेंगे फिर आपको बताएंगे। तो पनीर भी आया यहाँ पे, साथ में डलेगा पनीर। तो लोग चीज इतनी बड़ी रखते हैं, हमने रखा इतना बड़ा पनीर, ये तो घर का है ना, फिर इतना पनीर तो हमें हो सकते है, बाहर वाले तो भैया पैसे इतने ले लेते हैं पनीर डालने के। यो मेरे तो मुंह में अभी से पानी आने लग गया, क्या कह रही हो बोलो? मैं जा रहा हूँ सरहंद, जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे तब तक मैं सरहंद से आ चुका हूँ, तो ये पता नहीं ऐसे बोली जा रही है। वेरी गुड टू, ठीक है। देखो हमारी टिक्की हो गई है, तो नंबर हो गए कंप्लीट, अब ये बंद होने वाला है, फिर खोलेंगे इसको, पहले उसमें देखो टिक्की है तब नहीं बंद हो रही है, नहीं हो गया बंद, हो गया बंद हो गया, वेरी गुड। देखो 1 2 3 कच्ची है, नहीं कच्ची है, कच्ची है, इसको पलटी करो, पलटी करो, इसको पलटी करो, नीचे से पता लगेगा कच्ची नहीं है, पर थोड़ा टाइम ज्यादा लेनी थी, ये बर्फ जमी हुई थी ना इसके अंदर में तभी है ना, कच्ची नहीं है। देखो ऑयल थोड़ा और कम भी होएगा ना तो भी चलेगा, ऑयल तुमने ज्यादा डाल दिया इस बार, मैं तुम्हें कह रहा हूँ हल्का सा लगाना मेरे को नाम का। चलो गाइस अब इसको दोबारा रखने लगे हैं, जब तक ये बन रहे थे मैं क्या, जब तक बेसन घोल लिया जाए, यहाँ पे बना रही है हलीन, मैं के हाँ। तो आप ऐसी बातें क्यों करते, ऐसे करना पड़ता है यहाँ पे, मैं के हाँ। हलीन ने के हाँ। तो भी हलीन ही रही है,
तो यहाँ पर अली बना रही है, अभी बेसन गोल रही है, फिर बेसन के नहीं वो बेसन के पकौड़े, बेसन के पकौड़े, अरे क्या नाम था उसका, बेसन के पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, ब्रेड पकौड़े और पनीर के पकौड़े बनाए जा रहे हैं। अच्छा, ठंडा हो गया ना मौसम, साथ में गुड़ वाला दूध नहीं, कॉफी नहीं, कॉफी बना लो, बहुत दिन हो गए कॉफी नहीं पी, सालों साल हो गए, मैंने तो कॉफी पीनी छोड़ दी थी। तूने कल कॉफी पी थी? वेरी गुड जप्पू, कल्ले कल्ले कॉफी पी, वेरी गुड। तो ये बेसन में क्या डाला ली? नमक, लाल मिर्च और ये डाल दो, अदरक लहसुन की पेस्ट। कितना डाला नमक और नमक और लाल मिर्च? आधी आधी चम्मच, आधी आधी चम्मच नमक, अपने स्वाद अनुसार आप डाल लेना, हमारे चक्कर में मत रहना। हाँ, ये जरा सी डाली है, ये मेरे ख्याल एक चम्मच होगी अदरक लहसुन की पेस्ट, आधी चम्मच लहसुन की पेस्ट, छोटी एक चम्मच ही तो बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ गाइस, आप हमारे चक्कर में बिल्कुल मत रहना, हम तो पागल है ना। ये मिर्ची क्यों डाल रही हो? मिर्ची अच्छी लगती है, तभी तुम्हारी जबान भी ऐसी हो गई है। मेरी जबान मिर्ची कभी नहीं हो सकती, वही है तभी बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं मिर्ची खाता ही नहीं, मैं डालूंगी तो आप खाओ। क्या था पता नहीं सारा ने की से आप मच के चार टिक्कियां बना लूं, आधा घंटा लगाता है अभी। एक्चुअली क्या है, पता नहीं है ना इसका सिस्टम, जब सिस्टम पता लग जाएगा फिर सिस्टम पे सिस्टम चलेगी टिक्कियां, सिस्टम पे। अभी लास्ट है, अभी कच्ची बने पक्की बने हम जैसे भी खा लेंगे इसको। देखो आप सोच रहे हो ना जैसे हम ऑयल में फ्राई करते हैं और वो बिल्कुल रेड का मतलब बिल्कुल रेड हो के करारी हो के, तो वो ना निकलने वाली इसमें। अच्छा, मैं रेड नहीं होती? नहीं, चलो देखते कैसी होती है। अब हरा धनिया भी डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा खराब भी हो गया। खराब हुई इसकी हरी चटनी बना लेनी थी ना। एक चीज है, अगर आपको ब्रेड पकौड़े एयर फ्रायर में बनाने ना, क्योंकि मैं एयर फ्रायर में ही बना रही हूँ। एयर फ्रायर में बना रही तुम? तो ब्रेड पकौड़े भी टाइम लग जाएगा बनाने में। अगर आपको ब्रेड पकौड़े एयर फ्रायर में बनाने, तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं एयर फ्रायर में ही बनाऊंगी, आपने बोला ना एयर फ्राई, बहुत टाइम लगेगा। और ना बेसन ज्यादा डार्क रख, मतलब बहुत ज्यादा पतला मत करना, बेसन रखना गाढ़ा, क्योंकि बेसन अगर पतला रखोगे तो नीचे चो जाएगा वो, इतना गाढ़ा भी नहीं रखना। तो हम भी एक बार ट्राई कर रहे हैं, बन के ठीक है तो रख लिया, फिर कढ़ाई तो तल लेना, फिर असि भी नहीं फिर तो देसी काम अपना तल्ला ला ला, फिर अपने बस दिन के एयर फ्राई फ्राई का। मैं देख रहा था टीवी में, इतना बढ़िया वो करते हैं, मैं देख रहा हूँ ना, टिक्की तक तो नहीं पा रही इससे, पता नहीं की ड्रामे बजे लाई है इन्होंने। चलो गोलो, बढ़िया गोलो, वो गोलने वाला नहीं है क्या हमारे पास में, उसमें टीवी में जो दिखाते हैं, टूट गया था वो, मैं लिया जी दोबारा। चलो ठीक है, अब ये गाय जब हो जाए तैयारी फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो अब इसके ऊपर लगाने लगे पहले सॉस, मैं यहाँ दिखाई जा रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया कैमरा कहाँ मेरा। देखो आप गवाचे रहते हो ना, ये इतने ड्रामे सुबह उठ के जप्पू के लिए मैं करूंगी, सुबह तो जल्दी बन जाएगा, नहीं तो अभी टाइम लग रहा है। वहाँ एयर फ्रायर हमारा बंद हो चुका है, पहली बार टाइम लगता, दूसरी बार तो हो जाता जल्दी। देखो पूरे दो बर्गर के लिए ही हुआ है, तो चप्पू के लिए सुबह जरा सा निकालना बस। इस साइड में लगा दो ना, फिर आपको इधर इधर इस पे लगा दो। देखो जरा टिक्की निकाल के की बनया टिक्की दा, ओ की बनू नहीं, फिर भी फर्क पड़ गया देखो पहले से। ये देखो गाइस आप बताना, पहले व्हाइट व्हाइट थे, अभी लाइट पे आपको लग रहा, लेकिन रेड हो गई है, देखो फर्क पड़ा, वैसी रेड नहीं हुई, लेकिन अभी वैसी नहीं, लेकिन अभी जो हमने पहले खोली थी उससे ठीक है। हटो, इस पर रुको रुको रुको, इस पर रखो, उस पर रखो, पहले हम रखेंगे ना प्याज। तो फाइनली टिक्की हमारी बन चुकी है, बन गई, आप पता लग गया बर्फ वाली टिक्की थी तो उसमें 15-20 मिनट लगे हैं। अच्छा मैंने वो कहा, एक बार दिखा ना, हाँ ये देखो पहले बिल्कुल सॉफ्ट थी, हाथ अंदर जाता हार्ड होगी थोड़ी, करारी हो गई, हाँ करारी हुई है ये। बताओ क्या करना, प्याज डालो पहले इसके अंदर,
तो गाइस आप भी देख लो, समझ लो, सोच लो और ये चाट मसाला निकाल लो। इसको बंद कर दो, तो पानी चलाना हल्का सा डालना। चाट मसाला डाला जा रहा है, MDH, बस बस बस, प्याज प्याज एक ही डालो बस। अब इसमें वो डालो टिक्की, उसे हल्का चाट मसाला डालना। वो टिक्की जो अलग से दो है वो हम ऐसे खाएंगे, टेस्ट करेंगे बिना ऑयल के। ये तुम भी खा सकते हो, आलू है, पनीर डालो। अरे वाह, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मेरे में एक प्याज और डाल दो तुम, बस बस, बहुत ज्यादा मसाला जो मत डालो, आप अपनी मर्जी से डाल लें चाट मसाला, मेरे में डबल प्याज डाल दो बस। इसको बंद करो, टूथपिक पड़ी है नहीं, रुको बस बस, दबा कर रही हो, ये जप्पू का है वो मेरा। तो ये देख लो बर्गर, रखो इसको। तो गाइस आप बताना जरूर कैसा बना है। हल्का सा इसको भी फ्राई कर ले, दो तीन मिनट में अच्छा हो जाएगा। इसको एयर फ्राई में रख दो उसको। ऑयल क्यों लगा रहे हो? ऑयल रहने दो, ऑयल वैसे उसके अंदर है, रहने दो ऑयल। इनके ऊपर, इसके ऊपर तो लगाना पड़ेगा ना, मतलब बहुत ज्यादा ऑयल है। नहीं देखो कहां है ज्यादा, नहीं नहीं बहुत ज्यादा ऑयल है ये। तो इसको जरा हम एक एक आधा मिनट गर्म करके फिर खाएंगे। तो इसके अंदर जाके एक आधा मिनट रख के थोड़ा ब्रेड भी इसकी सॉफ्ट हो जाएगी ना। तो ये टिक्की आ चुकी है हमारी, अब खा रहे हैं इसको सॉस के साथ। वहां पर हमने रख दिया इसको, चार मिनट में तो और गर्म हो जाए वो, है ना। खाओ देखो कैसे बनी है, कच्ची तो नहीं है। उन्होंने पहले बोला था गर्म होगी अंदर से, ये अन्य देर फिर हमें क्यों खा रही है। ओके रिपोर्ट है, जैसे हम ऑयल में फ्राई करते हैं वैसे ही है। मिशन हो गया सक्सेसफुल, सही है अलीन, सही बताओ है। गर्म होगी बहुत ज्यादा, इसको दबा लो थोड़ी ठंडी हो जाएगी। ऐसे जो तेल की भी निकल रहे है, तुमने तेल ज्यादा डाल दिया था ना तब। सडुकू मेरा डिसीजन सही था ना, बर्गर को दोबारा ऐसे करा रहा होगा, एक नंबर है ना। ये देखो कितना जप्पू सॉस लेनी तूने। सो गाइस अभी मैंने यहाँ पर ब्रेड के चोरस चोरस छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं, और यहाँ पर जो मेरा बेसन का घोल है वो भी रेडी है। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा पतला नहीं किया है और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बिल्कुल स्टील वैसे ही। इसके अंदर हल्का हल्का सा ऑयल लगा के उसके बाद फिर इसको बेसन में डिप करके इसके अंदर छोड़ना है। सो गाइस ब्रेड के पीसेस को मैंने बास्केट में डाल दिया और हल्का हल्का सा ऑयल भी लगा दिया इसके अंदर। तो अब दोबारा से मैं इसको डाल रही हूँ इसके अंदर और टाइम सेट कर देती हूँ। वही स्टिल सेम टेम्परेचर जाएगा इसका भी। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। पंद्रह मिनट पे सेट किया मैंने इसको। तो ये देखो फाइनली ब्रेड पकौड़े अभी हाफ डाउन हो गए। और सच्ची बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं है ये? क्यों अच्छा नहीं है यार? क्यों, क्या बकवास, क्या बकवास है इसके अंदर, तुम्हें चलाना नहीं आ रहा। आप कमेंट सेक्शन में बताना जो अगर यूज करोगे तो कैसे यूज होता है उसको। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बाकी जिसका दिल करे वो ले लेना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया पर्सनली। चलो ठीक है, एक तो इतना टाइम वेस्ट और ऊपर से ये क्या, ये ब्रेड पकौड़े हैं। जिथे दी खोती उथे आई खलोती। इसको ओएलएक्स पे डाल के बेच देना। मैं क्यों बेचूंगा इसको? नहीं बेचना हमने, तो मैं बेच दूंगा इसको, नहीं बेचूंगा इसको। क्यों बेचेंगे हम, पैसे लगे हैं मेरे? मुझे नहीं पसंद है, ना पसंद है। हमारे लिए फ्राई फ्रू चीजें तो बनेगी, ब्रेड पकौड़े तो मैं तुम्हें पहले कह रहा था उसके अंदर बनेगी, इसमें टाइम लगता है। आलू आलू की चीजें तो बनेगी, पनीर टिक्का बनेगा उसके अंदर में, जो मेन पनीर टिक्के के लिए लाया था मैं। जितने मिनट इसमें लिखे हुए ना उतने मिनट में तो किसी कीमत पे चीज नहीं बनेगी। बन रही है तभी लिखी है ना उसके अंदर में, हमें आता नहीं है अभी सिस्टम बनाना इसका। तो यहाँ पे अब रख दिया कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर अभी होंगे फ्राई, उसके बाद खाएंगे। चलो फिर बनाओ। सो गाइज आफ्टर 15 मिनट्स ये बने हैं एयर फ्रायर के ब्रेड पकौड़े, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। और फाइनली मेरे कढ़ाई के पकौड़े देखो और ये एयर फ्रायर के पकौड़े देखो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप लोगों का दिल करे तो आप ले लेना, मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आया एयर फ्रायर। तो एयर फ्रायर तो फ्लॉप हो गया हमारे लिए, उसकी उसमें अब आलू वालू फिंगर चिप्स ये बना सकते हैं। पकौड़े के तो मैं करूँ ये देसी तरीका ही बेस्ट है, ये पनीर के पकौड़े ब्रेड पकौड़े। तो चलो फिर फटाफट खा रहे थे, टाइम भी हो चुका है देखो 11:30 बज गए इस काम में।
चलो खा रहे थे फिर फटाफट।